हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लाइव क्लास है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो है वो विनकुलम संख्या का प्रयोग करते हुए योगफल गणना सीखेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग है विनकुलम संख्या से योगफल ज्ञात करना। पिछली जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने आपके सामान्य संख्या को विनकुलम में और विनकुलम संख्या को सामान्य में परिवर्तित करना सीखा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो देखिए बच्चों, विनकुलम संख्या से योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपका 6 विनकुलम 3 4 विनकुलम 3 विनकुलम और इसमें करना आपको योग, ठीक है। तो योग करने का तरीका जानिए क्या होता है। इसमें आपको कैसे चलना है, इसमें आपको जैसे आपके वैदिक गणित में जोड़ करते हैं तो इकाई स्तंभ से चलते हैं, इकाई स्तंभ में ऊपर से चलते थे, यहाँ से ऊपर से हम जब चलेंगे तो ऊपर से देखने पर आ रहा है विनकुलम 3 और उसमें जोड़ना किसको बच्चों, विनकुलम 3। तो देखिए विनकुलम 3 और उसमें विनकुलम 3 जोड़ना है, तो यहाँ पर आपको जब भी जोड़ करनी है तो दिमाग में एक पॉइंट रखना होगा बना के, कि कोई भी संख्या जिसके ऊपर अगर विनकुलम का रेखा बनने का निशान या रेखा बनने का चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब है वो माइनस की संख्या है। जैसे विनकुलम 3 का मतलब माइनस 3 है बच्चों, 0 पे विनकुलम रेखा खींचनी नहीं है, 2 के ऊपर वो विनकुलम का चिन्ह है, इसका मतलब वो माइनस का जो है। तो पहले आपको उसको कॉपी में माइनस में लिख लेना, जैसे ये ऊपर है माइनस का 3। अब इसमें जोड़ना है, हमें जोड़ना है क्योंकि हमें योग करना है, इसमें किसको जोड़ना है, माइनस के 3 को ही जोड़ना है। तो मैंने पूर्णांकों की जोड़ बाकी है वो करा रखी है, वहां से अब अगर हल करें आगे तो देखिए क्या बनेगा। ये जो जोड़ और बाकी के चिन्ह के जस्ट तुरंत बाद आपको कोष्टक हो, जैसे यहाँ पर जोड़ से बाद में आपका कोष्टक है और इससे पहले, यानी कोष्टक आपका जोड़ और बाकी के चिन्ह के बीच में आ गया है, तो वो जोड़ और बाकी का चिन्ह या कोई सा भी आपका चिन्ह होगा वो टक्कर करेगा, टक्कर गुणा होगा उसमें, तो प्लस और माइनस से टक्कर होकर नया चिन्ह क्या बन गया, इन दोनों से माइनस बन गया और आगे संख्या कितनी है, माइनस की 3। और माइनस माइनस मैंने बताया था कि जब एक की लाइन में लिखे हुए पूर्णांक तो आपका जुड़ जाएगा और माना जाएगा माइनस का से, यही अगर आपका एक प्लस और एक माइनस है तो घटेगा और दोनों प्लस प्लस के तो जुड़ेंगे, सेम चिन्ह के तो जुड़ जाएंगे, विपरीत के तो घट जाएंगे। तो यहाँ माइनस का 6 है, माइनस का 6 हम उत्तर में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपका वैदिक गणित में जब योगफल करना है तो योगफल के लिए भी आपको संख्या जो दे रखी है पर्सन में वो भी विनकुलम में है, तो उत्तर में आपको किस में लिखना है, यहाँ पर लिखते वक्त विनकुलम में लिखना है। तो माइनस 6 को क्या लिख सकते हो आप बच्चों, विनकुलम 6, क्योंकि माइनस का 6 क्या है, इस तरह से ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या वैदिक गणित में क्या लिखेंगे, वो अंक लिख के उसके ऊपर ये माइनस का चिन्ह यहाँ से हटा के कहाँ लगा देंगे, इसके ऊपर। तो यहाँ मैंने लिख दिया विनकुलम 6, इसको क्या बोलेंगे, विनकुलम 6। अब हम दाई स्तंभ पे आते हैं, दाई स्तंभ में हमें क्या जोड़ना बच्चों, दाई स्तंभ में हमें 6 में विनकुलम 4 जोड़ना है, ये 6 लिखा मैंने जोड़ का चिन्ह, फिर विनकुलम 4, विनकुलम का मान होगा उसको मैं कह रहा हूँ बार बार माइनस में लिखो, उसको पहले रखो फिर मैं करते वक्त माइनस में लिखो। अब कोष्टक के तुरंत बाद चिन्ह है तो उनको आपस में टक्कर कराओ, गुणा के नियम से ये प्लस माइनस मिल के नया चिन्ह क्या देगा, माइनस का देगा। और 6 में से 4 को घटाना तो कितना बचा बच्चों, 2, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। ये अगर 4 में से 6 जाता, यानी यह अगर आपका यहाँ पर होता 4 माइनस 6 तो कितना बचा था, माइनस का 2। आपको जोड़ बाकी में मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ बड़े में से छोटा घटाना तो प्लस का बचेगा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, और माइनस का ये बचता तो इसको अपने क्या लिख देते, विनकुलम 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आया 2, तो 2 को हमने लिख दिया यहाँ पर दाई स्तंभ में नीचे। अब देखिए बच्चों, ये हमारा आज पर नहीं है, अभी 2 विनकुलम 6 हमारा उत्तर नहीं है, उत्तर हमारा यहाँ पर जो भी होगा वो कैसी संख्या होगी, वो एक आपकी सामान्य संख्या होगी, ये आपको किस रूप में है, ये विनकुलम में मान है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको सामान्य संख्या में बदलना है इसको। तो आपको लिखना है यहाँ 2 विनकुलम 6 को सामान्य संख्या में बदल देगा, इसमें बदलने पर सामान्य संख्या में बदल देगा, उत्तर आपका हमेशा ही ये जो आएगा
विपुलम संख्या से योग और बाकी का वो एक सामान्य संख्या होगी। तो दो विपुलम संख्या को सामान्य संख्या बताना, कल मैंने सामान्य को विपुलम में, विपुलम को सामान्य में बदलना बताया था। तो ये विपुलम में इसको सामान्य में बदलने का तरीका था कि जिसके ऊपर रेखा बंधी यानी विपुलम का चिन्ह है उसका क्या लेना है, उसका धनात्मक मान लेके उसका परिमित्र लेना है। जैसे छह इसमें धनात्मक मान लेके उसका परिमित्र कितना हो गया बच्चों, चार। और विपुलम अगर एक ही अंक में आए तो हमेशा इधर से चलना है, इकाई स्थान से नहीं तो हमेशा किधर से चलना है आपको, जिधर अपने लिखने का ढंग होता है यानी शुरुआत से करते इधर से अपने चलेंगे स्थान से उधर से चलेंगे इकाई से। लेकिन अगर आपका एक ही अंक पर है तो आपका हमेशा बाएं तरफ से चलना है। और यहाँ पर जो विपुलम के जस्ट पास में अंक है जिस तरह रेखा बंधी का चिन्ह नहीं है उसके नीचे क्या लगाना है, एक यूनियन का चिन्ह लगाना है। एक यूनियन रख गया दो का, एक यूनियन कितना हो गया एक, तो 500 कितना बन गया 14। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो आंसर है अतः छह विपुलम तीन में चार विपुलम तीन विपुलम जोड़ने पर 14 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चों, 14 प्राप्त होगा। इस टाइप से हमें विपुलम संख्या जो अपने देर का है अगर कोई मान और उसको अगर हमें जोड़ना है तो हमारा जो उत्तर होगा फाइनल वो एक सामान्य संख्या में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तिहत्तर दिया है उसमें जोड़ना आपको विपुलम चार विपुलम दो, तो इसको हम थोड़ा फटाफट देखते हैं। अभी देखिए इसमें पहले इकाई स्थान से चलेंगे तो तीन विपुलम दो, तीन में क्या जोड़ना आपको विपुलम दो, तो तीन विपुलम दो जोड़ने का मतलब है विपुलम जहां पर लगा उसको माइनस में लिख देना है और फर्स्ट से जस्ट पहले और जस्ट बाद में चिन्ह है इसका मतलब यहां से एक ही चिन्ह बनाएंगे, प्लस से माइनस अंदर करके माइनस बनाएगा, तीन में से दो कम होगा तो एक बन जाएगा, कितना बन जाएगा एक बन जाएगा। अब हम गाइस हमें आते हैं एक आ गया, एक को हमने लिख दिया, यही अगर माइनस का एक आता तो हम माइनस एक नहीं लिखते उसको क्या लिखते हैं, माइनस एक को हम लिखते हैं विपुलम एक, क्या लिखते हैं विपुलम एक। अब हम दूसरा जो गाय का स्तंभ है उसको हल करते हैं, उसने देखिए क्या है, साथ में आपको जोड़ना माइनस विपुलम चार, तो विपुलम चार का मतलब साथ में आपको माइनस का चार जोड़ना है, तो साथ में माइनस चार जोड़ेंगे तो ये चिन्ह एक सिंगल बन गए माइनस का हो जाएगा, सात माइनस चार कितना आ गया तीस, और पांच को कितना आया बच्चों 31। और 31 कैसी संख्या, सामान्य संख्या, कैसे पता किया सामान्य है, इसमें कहीं भी आपका विपुलम का चिन्ह ऊपर नहीं लिखा है, तो उत्तर हमारा जब सामान्य संख्या आ जाती है तो हमें आगे कुछ करना नहीं होता है, वही हमारा क्या बन जाता है आंसर बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आठ विपुलम दो विपुलम पांच विपुलम पांच इनको आपस में जोड़ना है, तो देखिए इसमें क्या करना है, इकाई स्तंभ से चलेंगे तो इकाई स्तंभ चलने पर अपने विपुलम दो में जोड़ना है आपको किसको, विपुलम पांच को, तो विपुलम दो का मतलब माइनस दो हो गया, इसमें आपको जोड़ना है माइनस का पांच हो गया, तो माइनस दो और ये टक्कर करके प्लस माइनस से माइनस बन गया माइनस दो माइनस पांच माइनस का सात, तो माइनस की संख्या आपने तुरंत क्या लगाना उसको उत्तर लिखते वक्त विपुलम में, तो ये आ गया आपका विपुलम सात। अब आपको क्या करना है, अब दाई स्तंभ में चलना है, दाई स्तंभ में आपको आठ में जोड़ना है, आठ में आपको जोड़ना है किसको, माइनस सॉरी विपुलम पांच, विपुलम पांच को जोड़ना है, प्रैक्टिस हो जाए तो आप विपुलम पांच को यहाँ डायरेक्टली दे लीजिए, विपुलम पांच का मतलब माइनस पांच हो गया, प्लस माइनस एक सिंगल चिन्ह जो बनेगा वो माइनस बनेगा, आठ में से पांच कम करना है कितना बन जाएगा तीन। अब देखिए ये जो आपका यहाँ पर जोड़ करने पर जो मान आया वो एक सामान्य संख्या है क्या, अगर आपको ये पहचान होगी ये सामान्य संख्या है तो आगे आपको इसको हल नहीं करना है, अन्यथा आपको क्या करना है इस विपुलम के मान को इसमें कन्वर्ट करना है सामान्य संख्या में बदलना है, तो आपको लिखना है तीन विपुलम सात को सामान्य में या सामान्य संख्या में बदलने पर, इसमें बदलने पर सामान्य संख्या में बदलने पर, जब इसको सामान्य में बदलेंगे तो क्या आएगा बच्चों, विपुलम सात है, विपुलम सात है, एक ही जगह विपुलम आया तो आपको इधर से चलना है बाएं तरफ से, और बाएं तरफ से जब चलेंगे इधर से तो आपको क्या आएगा यहाँ पे कि ये जो धनात्मक मान मान लेते हैं सात को, और सात का परिमित्र अंक कितना हो जाएगा तीन, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन, और यहाँ पर जो ये है तीन इसमें आपको यूनियन का चिन्ह लगाना है क्योंकि विपुलम तो सामान्य बदल रहे, तीन का एक यूनियन दो हो जाएगा तो आप पांच कितना आगे तीन, तो आप लिख सकते हो अर्थात आठ विपुलम दो में विपुलम पांच, विपुलम पांच को जोड़ने पर 23 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा
तेईस रातें होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा कि आपको इक्कीस अंक से चलना है, तो विनकुलम नो में बच्चों आपको क्या करना है, विनकुलम नो में जोड़ना है आठ को। तो विनकुलम नो का मतलब हो गया माइनस का नो और उसमें जोड़ना है आठ। तो माइनस का नो और प्लस आठ कितना हो गया बच्चों, माइनस और प्लस याद कर लो घटता है, और माइनस माइनस में एक साथ मिल जाएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस में रह जाएगा तो जुड़ जाएगा। विपरीत साइन घटेगा, सेम चिन्ह जुड़ेगा, जुड़ेगा तो हमेशा वही चिन्ह आएगा जो सेम सेम दिख रहा है। जैसे माइनस 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 है तो माइनस का आएगा, उत्तर प्लस प्लस का है तो प्लस का। लेकिन जब घटेगा तो हमेशा दिमाग में रखना चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के आगे का ही लिखा जाएगा। तो नौ और आठ घटेगा, प्लस माइनस है इसलिए नौ में से आठ लिया कम हो गया, एक बच गया। चिन्ह बड़ी संख्या है, नौ के आगे का लेंगे तो माइनस का है, तो माइनस का एक को हम क्या लिख सकते हैं, विनकुलम एक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया विनकुलम एक। यहाँ पर पहला जो स्तंभ है उसमें माइनस एक होना है, विनकुलम एक। दूसरे स्तंभ पे आते हैं, दूसरे स्तंभ में आपको क्या करना है, दूसरे स्तंभ में आपके आठ में आपको बच्चों जोड़ना है विनकुलम सात। क्या जोड़ना है, विनकुलम सात। विनकुलम सात का मतलब हो गया माइनस का सात, और आठ माइनस सात कितना हो गया, ये एक साथ एक दिन क्या बनाएगा माइनस सात, आठ प्लस माइनस से माइनस बन गया, आठ में से सात दिया कितना बच गया एक। तो एक विनकुलम एक कितना बच गया, एक विनकुलम एक। एक विनकुलम एक आपका जो है वो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार कह दिया कि आपका आंसर हमेशा एक सामान्य संख्या होनी चाहिए। तो इसको अब आपको क्या करना है, सामान्य में बदलना है। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि एक विनकुलम एक को सामान्य में बदलने, जब इसको सामान्य में बदलेंगे तो क्या आएगा, जो विनकुलम एक है उसको धनात्मक मानते हैं, क्योंकि विनकुलम एक ही जगह है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इधर चेक कर ले बार बार, विनकुलम एक को आपको धनात्मक मानते हुए यानी एक मानते हुए एक का परमित्र अंक लेना है कितना आगे नौ, और उससे पहले वाला जो अंक है उसके क्या लगा देना है, न्यूनतम का चिन्ह। तो यह आ जाएगा एक के नीचे न्यूनतम का चिन्ह और एक का जो परमित्र अंक है वो नौ, तो एक का न्यूनतम करने पर आ जाएगा जीरो। तो यह आगे आपका जीरो, जीरो नौ का मतलब आप कह सकते हो नौ, तो आप लिख सकते हो अर्थात आठ विनकुलम नौ में सात विनकुलम आठ जोड़ने पर प्राप्त होगा, न प्राप्त होगा नौ प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है पांच विनकुलम तीन और विनकुलम दो है, इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसमें आपके विनकुलम पांच विनकुलम तीन विनकुलम दो एक को जोड़ेंगे तो इस चार हमें इक्कीस स्तंभ से करना है। इक्कीस स्तंभ में आपके विनकुलम तीन प्लस एक करेंगे कितना आएगा बच्चों, विनकुलम तीन का मतलब माइनस तीन, माइनस तीन प्लस एक कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आ गया। फिर आपको क्या होगा, घटेगा, तीन में से एक कम कर दो घटा के, और तीन बढ़े के आगे तीन के आगे का माइनस का दो। तो यहाँ पर लिखना माइनस दो, और माइनस दो की बजाय आपको क्या लिखना है हमेशा विनकुलम में, तो ये विनकुलम दो हमने इकाई स्तंभ में लिख दिया आज तक। अब हम ढाई स्तंभ में आते हैं, तो ढाई स्तंभ में बच्चों पांच और विनकुलम दो कितना है, पांच और विनकुलम दो, तो लिखेंगे पांच उसमें जोड़ना है विनकुलम का दो, तो कितना जाएगा पांच प्लस ये विनकुलम दो को माइनस में लिखो, प्लस माइनस से नियम चिन्ह माइनस का बना, पांच माइनस दो बच्चों तीन आया, तो यहाँ लिखते तीन। अब आपका ये आंसर है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर आपका कैसा होना चाहिए, हमेशा एक सामान्य संख्या होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे तीन विनकुलम दो को किसमें बदलने पर, सामान्य में बदलने पर, यहाँ तीन विनकुलम दो को सामान्य में बदलने पर। तब इसको सामान्य बदले क्या आएगा, विनकुलम दो है उसमें दो को आपको धनात्मक मानते हुए आपका उसका परमित्र अंक लेना है, तो इसका परमित्र दो का कितना होता है परमित्र अंक बच्चों आठ। विनकुलम रेखा जिस पर है उस अंक को धनात्मक मानते हुए उसका परमित्र अंक लेना है, दो का परमित्र क्या हो जाएगा, दो में कितना जोड़ने पर दस बनेगा आठ। अब जिसके ऊपर बात आया रेखा बंदी का चिन्ह नहीं है, जैसे तीन पे नहीं है तो तीन के नीचे आपको क्या लगाना है एक न्यूनतम का चिन्ह, यही यहाँ पर अगर चार होता तो चार के नहीं लगाते,
न्यूनतम का चिन्ह हमेशा लगाना है जो रेखा बनने के जस्ट पास में होता है उस अंक के। तो यह आ जाएगा आपका 3 का न्यूनतम 2 और यह आ गया 8, अर्थात हमें कितना प्राप्त हुआ 28 से प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं अर्थात 5 विनकुलम 3 में विनकुलम 2 1 को जोड़ने पर 28 प्राप्त होगा। तो ये आपका विनकुलम संख्या से योगफल ज्ञात करने का तरीका। अगले क्लास में बच्चों हम विनकुलम के प्रयोग से व्यवकलन करना सीखेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और बनाकर अपने से खुद से करने की कोशिश कीजिए। बुक में क्वेश्चन जो है उनको हल कीजिए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।